कप्तान को कि तुरंत जल्दी बल्लेबाज भेजिए और मैदान के अंदर बॉल दीजिए। थोड़ी थोड़ी बारिश गिर रही है और दोनों अंपायर ने ऐसे बारिश बहुत देखे हुए हैं, उसे हमारे अग्री मराठी भाषा में कहते बरेच पावसाळे बघितलेले आहेत, त्याच्यामुळे त्यांना भेजले तरी काही वाटणार नाही। छब्बीस गेंदों और जीतने के लिए 16 की जरूरत है। चेंज पड़ा टीम की पूरी फील्डिंग की सजावट हो चुकी है। हम भिंगरवाड़ी टीम के कप्तान को सूचना दे रहे कि तुरंत अपनी जोड़ी लेके आप मैदान के अंदर आइए। 26 और चौकों की हैट्रिक के लिए 1000 रुपए का इनाम है। बिल्कुल, अगर दोनों बल्लेबाजों ने इस मैच को जिताया तो उनको 1000 रुपए के ना हमारे राहुल मलिक साहब इनकी तरफ से। बड़ा मौका है, बारिश में इनाम लगाना भी बड़ी बात है, लेकिन राहुल जी ने खुल दिल से कह दिया है कि मैं लगाने के लिए तैयार हूं, बस खिलाड़ी ने वो काम करना चाहिए। इनाम लेना है तो 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के या 3 गेंदों के ऊपर 3 चौके लगाए और 1000 रुपए की हैट्रिक के लिए 1000 रुपए का इनाम है। गेंदबाज आए हैं, बॉलर कौन है? यश, यश गेंदबाजी करने के लिए। नितिन गाय का स्ट्राइक के ऊपर पहली गेंद 30 बार है, थोड़ी सी नीचे रखी थी गेंद को, लेकिन इस गेंद को खेल दिया है, या गली के क्षेत्र में गेंद जा चुकी है, फील्डर गेंद को उठाने जा रहे हैं। और इसी बीच सिंगल से 7 खाता खुद का ओपन किया, टीम का भी खाता ओपन किया। स्कोर 1 और स्ट्राइक के ऊपर प्रतीक गायकर आए हैं। यश गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए इस बार पहले ओवर की दूसरी गेंद, 15 रन जीतने के लिए। बहुत अच्छी बॉल, शानदार बॉल देखने को मिल चुकी है, कवर के ऊपर खेलने गए थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है, तेज रफ्तार के साथ इस गेंद को फेंका था। अच्छी गेंदबाजी चल रही है इस बार, देखा इस गेंद के ऊपर 2 गेंदे खत्म हो चुके, 4 गेंदों का खेल शेष अभी तक पहले ओवर का। और ये उड़ाया, क्या गेंद, तारामंडल के अंदर जाएगी और गेंद अंदर आ गई, पेड़ ने सुरक्षा दी, मगर यहां 2 रन जरूर मिलेंगे, 3 रन मिल चुके माफ कीजिए। तो 3 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 4 के घर में। बिल्कुल, हमारे थोड़ी सी इस बार गलती होने के बाद 24 इवेंट के जो हमारे दोस्त है उन्होंने कह दिया कि 3 रन दौड़ के पूरा कर दिया, क्या करें, आईने के ऊपर पानी गिर रहा है ना, इसका प्रॉब्लम है। नेक्स्ट बॉल इस बार, यार इसी के साथ लग रन और कम मौका, आधे रास्ते में जब गाड़ी जाने के बाद पीछे मुड़ के आना बहुत मुश्किल है, और उसी तरह से बल्लेबाज देखा जाए वापस आ गए क्योंकि शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर बढ़िया से प्रेक्षण किया इस फील्डर ने, और बल्लेबाज वापस जा रहे हैं। प्रतीक बैक टू द डग आउट। पहला झटका इस बार भिंगारी वाली टीम को, रन बन चुके 4 यानी कि 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जीतने के लिए मेरे हिसाब से अभी तक 12 रनों की जरूरत है, गेंदे ज्यादा है रन कम है। नहीं, मैंने शुरू में कह दिया था कि जब छोटा सा टारगेट होता है, छोटे से टारगेट में कई बार इतिहास के पन्नों में ऐसे मैचेस हुए, 6 गेंदों के ऊपर 6 छक्के आए, 6 गेंदों के ऊपर 6 चौके आए, लेकिन 6 गेंदों के ऊपर 1 रन नहीं आए, ऐसे कई मरतबा हमने हमारे आंखों के सामने देखे हुए मैचेस है। और नए बल्लेबाज आगमन होने जा रहा है, सचिन लाने, यानी कि जिन्हें प्यार से बार क्या कहते हैं, जो भिंगरवाड़ी एक्सप्रेस। बिल्कुल, क्योंकि 3 एक भिंगारी है, भिंगारी वाड़ी है और भिंगार है, 3 गांव है। और इस बार आप पुल कर दिया है, कैच की संभावना, लेकिन यह विकेट के ऊपर बाला है जिन्होंने प्रयास किया था कैच को लपकने के लिए। अच्छी विकेट इस बार सीमेंट कॉन्क्रीट की है और इस विकेट के ऊपर खेलने का आनंद कुछ अलग है। मैंने शुरू में कह दिया रबर बॉल प्रतियोगिता हर एक टाइम के ऊपर होती है ना,
वो बस आनंद के लिए होती है, उसमें मजा आता है। और इस बार लॉब किया हवा जरूर है, कैच की संभावना, शॉट एक्स्ट्रा वाले पकड़ लिया कैच। और इसी के साथ देखा जाए सलामी बल्लेबाज भिंगावाड़ी टीम की बैक टू द डगआउट नितिन गायकर चले और चार रन पर लगभग देखा जाए दूसरा विकेट गिरता हुआ। शानदार गेंदबाजी चल रही चेंज पड़ा टीम के, ये खूबसूरत गेंदबाज यश द्वारा और दो कैचेस लगभग दिया शॉट एक्स्ट्रा करके ऊपर जो फील्डर थे उन्होंने, तारीफ करना पड़ेगा उस फील्डर की। तो झटके पहले ओवर में, मैंने शुरू में कह दिया अपने पास वो हिम्मत चाहिए, वो काबिलियत चाहिए। क्रिकेट में आप हार मत मानिए, हार जीत क्रिकेट के दो हिस्से, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन खेल ऐसा करो कि सामने वालों को पसीना फूटना चाहिए। आखिरी तीन ओवर शेष है, 18 गेंद और जीतने के लिए मेरे हिसाब से 12 की जरूरत है। यस 12 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज संदीप मात्रे मस्कर, संदीप मस्कर इनका आगमन हो चुका है। शुभम सावरोली और कोमर भुजे के बीच ये टॉस हो रही है, सिक्का उछला हवा में गया और गया पक्ष में कोमर भुजे। नोट की टीम एक अच्छी टीम है कुमर भुजे, इनके पक्ष में गए, इस बार सिक्का चला गया, उन्होंने टॉस जीता हुआ है। पुलिस मात्रे साहब इनके पॉकेट के अंदर ये सिक्का और 12 रन चाहिए। इस बार देगी आउट बल्ले का, इस बार देखा जब बाहरी किनारा लगा कोर्ट बिहाइंड विकेट कीपर गुट्टी ने इस कैच को पकड़ लिया है और बैक टू द डगआउट जा रहे हैं। इस बार आते ही बल्लेबाज जल्दी वापस चले गए संदीप मस्कर अंडा लेके वापस। और इस बार 17 गेंद और जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, बस हिम्मत मत हारो, खेल दिखाओ, अपना परिवर्तन दिखाओ। और आते ही गेंदबाज इस बार शिवम ने इस बल्लेबाज को चलता कर दिया, 3 विकेट गिर चुके हैं, हम भी किसी से कम नहीं है। ये चिंपाड़ा के गेंदबाज दिखा रहे भिंगार वाली टीम को। तो नक्कीच दोस्ती ग्रुप आज आयोजित दोस्ती जशो 2022 ग्रामीण पावसा रबर बॉल मर्यादित षटकांचे क्रिकेट सामने 9/7/2022 आणि 10/7/2022 रोजी प्रथम क्रमांक 30,000 आणि द्वितीय क्रमांक 15,000 भव्य चषक सामन्यात प्रत्येक सामन्यावर दिला जाईल। आज दोस्ती ग्रुप वाजे प्रवेश फी राहील 3,500 रुपये। संपर्क सोमनाथ पाळी, चंद्रकांत कुरुंबळे, प्रफुल्ल पाटील, मच्छिंद्र पाटील, ठिकाण सुरमाल मैदान वाजे, तालुका पेण, जिल्हा रायगड। यस धन्यवाद। यस सुधीर लहाने ने बल्लेबाज, दोनों भाई मैदान के अंदर है। आप भाई लोगों को इस बार देखा जाए खेल को संवारना होगा, टीम इस बार देखा जाए रिंगाल वाली टीम थोड़ी संकट में आई है क्योंकि 3 विकेट मैदान से बाहर गए हैं। लेकिन शुभम कैसे गेंदबाजी करेंगे, पहली गेंद के ऊपर उन्होंने विकेट हासिल किया, बाहर जाने वाली गेंद के साथ छेड़खानी करने गए थे और बल्ले का बाहरी किनारा लगा क्वार्ट बिहाइंड विकेट नंबर तीसरा ड्रेसिंग रूम में चले गए। 17 बॉल और 12 की जरूरत है अभी तक जीतने के लिए। शुभम राइट अमोर विकेट, ये देखिए इस बार गेंद और या विकेट कीपर गलती कर रहे, इस गेंद के ऊपर एक सिंगल जरूर मिला बाई के रूप में और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 5 के घर में। जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत है 16 गेंदों में। चिंचपाड़ा वाले के गेंदबाज काफी अच्छी मशक्कत कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, बड़ा प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करना ही चाहिए। इस बार थोड़ी सी गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, ज्यादा गेंद ऑफ स्टंप के बाहर चली गई, अंपायर पटेल साहब जी ने उसे वाइड घोषित किया। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 6 के घर में। धीरे धीरे इस बार देखा जाए अच्छी गेंदबाजी चल रही थी लेकिन खराब इस बार ये, और ऑन साइड के ऊपर और पिच गेंद इस बार बल्ले के, इस बार रन में गेंद थी लेकिन एक मिलेगा, दूसरे के लिए दौड़ रहे थे मगर या सिंगल ही मिलेगी और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 7 के घर में। सचिन लहाने इस बार स्ट्राइक के ऊपर आए है, 15 गेंदे और जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है। सिंगल डबल सिंगल डबल, हाँ
और आराम के साथ इस रन को इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन इस बार याद देखिए गेंद थोड़ी सी ज्यादा ही बाहर चली गई है, डिफेंस शॉट करने गए थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं, आउटसाइड ऑफ तो ज्यादा ही गेंद बाहर चली गई, वाइड घोषित किया रोबडेल जी ने। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 8। दो गेंदें अच्छी फेंकी लेकिन इस बार हल्के हाथों से ऑन साइड के ऊपर कलाई के सारे मोड़ दिया, दिशा दी गेंद को। एक सिंगल मिलेगा शॉर्ट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, इस बार गेंद को पेड किया लहाने ने और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 9 के घर में। 14 गेंदे और जीतने के लिए 7 रन की जरूरत है। और इस बार ये फुल टॉस जरूर गेंद थी लेकिन इसके ऊपर खेलने में असफल बने बल्लेबाज, डॉट गेंद चली गई है। मेरे हिसाब से सोची सोमनाथ गेंदे शेष है, आखिरी गेंद शेष है, यानी कि 13 गेंदे और जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है। सुधीर लाहने इस बार स्ट्राइक के ऊपर, ये आखिरी गेंद, इस बार स्लो और गेंद फेंकी हुई है लेकिन इस गेंद को सामने खेला हुआ है, एक रन चुरा लिया दूसरे के लिए मगर एक ही सिंगल मिलेगा और इस सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यानी कि 2 ओवर की समाप्ति के बाद यह भिंगरवाड़ी टीम का स्कोर पहुंचा है 10, 3 विकेट के नुकसान पे। आखिरी 12 गेंदे शेष है, यानी कि 2 ओवर में जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत है, 6 रनों की जरूरत है। धीरे धीरे अंपायरों की इस बार थोड़ी चलने की थोड़ी गति कम हो गई, इसका मतलब 1:30 बज गया तो पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो जरूर इस मैच के बाद आपका खाने का आनंद ले सकते हैं, हम भी जानते क्योंकि आज का दिन डॉक्टर डे है। देखिए दोनों अंपायर हंस रहे, थोड़ी हंसी मजाक तो चाहिए, नहीं तो हम हमेशा गए थे सीरियस लोग अस्पताल में बहुत पड़े हुए। आखिरी 12 गेंदे शेष और जीतने के लिए इस बार 6 की जरूरत है और गेंदबाज आए प्रणय, और ये पहली गेंद इस बार देखा जाए ये नो बॉल है और इस बार डिक्लेयर मिलेगा, यानी कि 2 रन मिल चुके हैं, 1+1 2 रन और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 12। बस अगली गेंद फ्री हिट है, यानी कि 4 रन चाहिए जीतने के लिए, बिल्कुल छक्का है, बाउंड्री लगा सकते हो, 500 रुपए का इनाम है हमारे यहाँ बैठे हुए राहुल मालिन की तरफ से, छक्का लगाओ 500 लोग, चौवा लगाओ 500 लोग, कौन सा भी घर के ऊपर नंबर लगाओ और 500 रुपए लेके जाओ। ये देखिए और ये रन आउट का मौका यहां बनेगा विकेटकीपर साहब या अंपायर साहब, नहीं, और इसी के साथ एक सिंगल चुराया है और एक सिंगल के साथ याद देखा जाए तो भिंगरवाड़ी टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 13। बस जीतने के लिए भिंगरवाड़ी टीम को 3 रन की जरूरत है, ये आखिरी ओवर होता तो बड़ा मजा आता लेकिन और एक ओवर बचा हुआ है और इस ओवर की कई गेंदे अभी तक शेष है, बिल्कुल 3 रन अगर दौड़ के भी इकट्ठा कर सकते हैं तो माली साहब की तरफ से 500 रुपए का इनाम मिलेगा। ये देखिए पैरों के ऊपर गेंद लगी हुई है, रनआउट, लेकिन रनआउट का मौका बनेगा अभी मेरे हिसाब से, बन गए, देखिए एक भाई दूसरे भाई के ऊपर गुस्सा निकाल दो, कोई जरूरत नहीं थी, आत्मघाती रन साबित हो गई है और इसी के साथ ये देखा जाए तो 14 विकेट गिरता है, सचिन लहाने चले बैक टू द डग आउट। जीतने के लिए मेरे हिसाब से यहाँ भी सोमनाथ जी रन चाहिए, 2 ही रन चाहिए, हम आपके लिए 3 रन चाहिए, 13 रन बन चुके हैं विकेट नंबर 14 ड्रेसिंग रूम में। इस ओवर की मेरे हिसाब से आखिरी गेंद शेष होगी, अभी तक 4 गेंदे शेष है, मतलब 10 गेंदे और जीतने के लिए 3 रन, मुश्किल कोई इतना कठिन नहीं है भिंगरवाड़ी टीम को यह मैच जीतना, लेकिन उन्होंने इस बार देखा जाए थोड़ी सी उनकी मिसस्टैंडिंग चल रही है, उन्होंने कठिन इस बार थोड़े से बन चुका है ऐसा लग रहा है, लेकिन 10 गेंदे शेष है और जीतने के लिए 3 रन चाहिए, 4 विकेट मैदान से बाहर गए, थोड़ी सी इस बार देखा जाएगा जो 2-3 गेंदे दूसरे ओवर में वाइड नहीं जाते तो बड़ा मजा आ जाता था, लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट में जो गलतियां हो जाती है वो गलतियां सुधारने का मौका आपको इससे टूर्नामेंट में नहीं भरता, अगले टूर्नामेंट में भरता है। और ये फुल टॉस गेंद हवा में और वन बाउंड के साथ गेंद चली गई है, 4 रन है क्या
चार रन और मैच को जीता, स्पिनिंग शॉट खेला है। यहां लगभग देखा जाए सुदीप लहाने ने जो छह रन बना के नॉट आउट रहे, तो इसी बीच इस मैच को जीता है भिंगरवाड़ी टीम ने और परास्त कर दिया चिंदपाला टीम को। हर जीत क्रिकेट के दोस्त है, लेकिन जीतने वाली टीम का अभिनंदन तो हारने वाली टीम को हम ढेर सारी बधाइयां देते हैं, उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि आपने आकर हमारे किंडर ट्रॉफी की शोभा बढ़ाई। इसीलिए इस बार देखा जाए हम यहाँ पूरी तरह से इस बार देखा जाए आभार व्यक्त करते हैं चिंदपाड़ा टीम का। वेल डन इस बार, और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड है सुदीप लहाने।